नारायण, संसार की रचयिता परमात्मा है और संसार ने इसकी रचना अपने आनंद के लिए किया है। श्रुति भगवती कहती है कि क्रीड़ा के लिए ही संसार का सृजन परमात्मा ने किया। उस क्रीड़ा में यदि आप मैं और मेरे के बंधन से बंधेंगे तो निश्चित रूप से बंध जाएंगे। श्रुति का कहना यही है कि यदि मुक्त होना है तो कहीं भी किसी के साथ, व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, स्थान के साथ मम शब्द का प्रयोग मत करो। मम माने मेरा। जब व्यक्ति किसी चीज़ को मैं इसके साथ जोड़ता है, मेरे के साथ जोड़ता है कि मेरा है, उसी समय वह बंध जाता है। वस्तु नहीं बांधती है, व्यक्ति नहीं बांधता है, स्थान नहीं बांधता है, ये मेरा मम ही बांध लेता है। स्वाभाविक है, जड़ वस्तु किसी को पकड़ती नहीं है, जड़ वस्तु को हम ही पकड़ लेते हैं और पकड़ करके ये कहते हैं कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। तो ये मम मम का जो भाव है यही बंधन है। और जिस दिन आपके चित्त में आया कि संसार में व्यक्ति, स्थान, वस्तु ये मेरे नहीं हैं, उसी दिन आप मुक्त हो गए। मरने के बाद मुक्त नहीं हो गए आप। जिस दिन आपने अपने को वस्तु से अलग कर लिया, व्यक्ति से अलग कर लिया, स्थान से अलग कर लिया, यह मान लिया कि यह मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूं, ये भाव आते ही आप मोक्ष को प्राप्त कर लिए। शास्त्र कितनी सहज और सरल भाषा में बंध और मोक्ष की व्याख्या करते हैं, किंतु हम दुर्भाग्यशाली समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि मोक्ष पाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं करना है, इतना ही प्रयास करना है कि जड़ के साथ अपना संबंध मत जोड़ो। किसी के साथ भी, संबंधों के साथ जहाँ आपने जोड़ लिया, व्यक्ति के साथ संबंध जहाँ आपने जोड़ लिया, वहीं से आपके कर्तव्य प्रारंभ हो गए, आपका दायित्व प्रारंभ हो गया। फिर आप उन विचारों में फंस करके आजीवन पर्यंत फंसते ही चले जाएंगे। इसलिए ये समझिए, सारे के सारे खिलौने परमात्मा के हैं। वह जिसके साथ जब जहाँ जैसे खेलना चाहता है खेल रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है, परमात्मा इस खेल को खेल रहा है और मैं भी उसके साथ बैठ करके उस खेल का साक्षी हूँ, उस खेल को देखने वाला हूँ। इस भाव से भरने के बाद आप देखेंगे सारा संसार का बंधन अपने आप कट जाएगा। इसलिए बंधन को काटने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ कर्तव्य शेष नहीं है, एक ही कर्तव्य है। श्रुति भगवती कहती है कि आप संसार से अपना ममता का पद हटा लीजिए, निर्मम हो जाइए। जहाँ आप निर्मम हुए, आप बंधन मुक्त हुए। द्वे पदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च, ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते। इस भाव से आप भरे, श्रुति आपको सहयोग दे रही है, योग दे रही है। आप इस विचार को करें और विचारवान बन करके मम और निर्मम, इन दो पदों का विचार करके, मम को त्याग करके निर्मम की ओर बढ़ें। यही श्रुति की आज्ञा है। नारायण नारायण नारायण।